नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम भिन्नों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सवाल में हमको चार से पांच भिन्न दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सी भिन्न तो बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। या यो भी पूछ सकता है हमसे कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। इन सबका सोल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दुनिया की कैसी भी भिन्न हो, एग्जाम में कैसी भी भिन्न आ जाए, आप उनको आसानी से इस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न तो बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। यानी कि पहले नंबर पर कौन सी आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी, तीसरे पे कौन सी आएगी, चौथे पे कौन सी आएगी। ऐसे हम भिन्नों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे पांच ट्रिक बताऊंगा, पांच ट्रिक यानी कि पांच पॉइंट आपको बताऊंगा। चार पॉइंट कहीं ना कहीं आज तक आप पढ़ते आए हैं, और पांचवा पॉइंट जो है वो इतना गजब का पॉइंट है, इतनी धांसू ट्रिक है कि यदि आप चार ट्रिक यदि आप भूल भी गए, आप याद ना भी रखें, तो उस पांचवी ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की भिन्न जो है उनको आप अंदाजा लगा सकते हो कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, या इनके बीच में कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन सी आएगी, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। उन सबको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं केवल एक पांचवी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम वन बाय वन ट्रिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक, चौथी ट्रिक, और लास्ट में जो फाइनल जो है पांचवी ट्रिक, यदि आपको वो चार ट्रिक याद नहीं भी रहे तो पांचवी ट्रिक जो है वो एकदम रामबाण का काम करेगी। मैं आपसे वादा कर सकता हूं दोस्तों कि आपने अभी तक वो ट्रिक पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, और वो सभी का रामबाण है, मजा आएगा पढ़ने में। देखो आप, जैसे मैं पहली ट्रिक की बात करूं तो सबसे पहली ट्रिक क्या है, हम पढ़ते आए हैं छोटे क्लासों में भी कि जब भिन्नों की हम तुलना करें तो एक काम कर लिया करें कि जो उनका हर है उसको कर लिया करें क्या समान, हर को समान कर लिया करें। ये हम पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे भिन्न है 2/7, 3/4, 5/7 और मान लो 2/5, ये मान लो भिन्न है। अब हमको इसको लिखना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कैसे कौन सी होगी, आरोही अवरोही क्रम में इनको हमको सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। तो यहाँ पे देखो हर कितना है, 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो हर है 7, 4, 7, 5, इनका निकालेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम। तो इनका लघुत्तम निकालो, लघुत्तम देखो कितना आएगा, 7 × 28, 28 × 5, 140 आएगा, 140 इनका एलसीएम आ गया। मैं आपको हर समान करके बता रहा हूं पहले। तो हर समान कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका हर जो है इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना है 140, तो 140 यहाँ पे ऐसे रख दो, ठीक है। अब देखो 7 का भाग दो 140 में तो कितनी हो जाएगा, 7 का भाग देंगे 140 में तो 20 बढ़ जाएगा, कितनी बढ़ गया 20 बढ़, और 20 को गुणा कर दो 2 से, कितना आएगा 40, ठीक है, कॉमा लगा दो, इसका भाग दो इसमें 140 में, तो आएगा 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, 35, 35 पर भाग गया, और 35 को गुणा करो 3 से तो ये आएगा 105। 7 का भाग दो फिर से 140 में, कितनी बढ़ जाएगा 20 बढ़, और 20 × 5 करो 100। फिर आप 5 का भाग दो इसमें 140 में तो ये जाएगा दोस्तों 28 बार, और 28 × 2 करोगे तो कितना आएगा 56, ऐसे लिख लिया करो। इसके बाद में क्या करोगे आप, जैसे 40 है यहाँ पे, 40 आया, हर तो सबका बराबर हो गया, 140 हो गया ना। अब 40 और एक आया 105, एक आया 100 और एक आया 56, तो 105 किसकी जगह आया है, 3/4 की जगह, तो 3/4 जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी। इससे छोटी कौन सी होगी, ये 100 वाली 5/7, फिर इससे छोटी कौन सी होगी, 56 वाली 2/5, फिर इससे छोटी कौन सी होगी, 40 वाली 2/7। ऐसे हम इनको आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी सबसे छोटी 2/7, सबसे बड़ी 3/4। इस प्रकार हमने हर को समान करके इनको छोटी बड़ी के रूप में व्यवस्थित किया। दूसरी जो ट्रिक हम पढ़ते आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो,
यदि सबका हर समान है, यदि हमें ऐसी भिन्न दे रखी है जिनमें सबका हर समान है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/7, 8/7, 9/7, 23/7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं जिनमें हर क्या है, सभी का समान है। तो हर समान है तो छोटे बड़े भिन्न निकालना बड़े आसान है। जिनका हर सभी का समान है उनमें हमको ये देखना है कि जिसका अंश बड़ा है वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23/7, ठीक है, सबसे बड़ी पहले नंबर पे है। उससे छोटी हो जाएगी कौन सी, 9/7, उससे छोटी 8/7, उससे छोटी 2/7। यदि ऐसा है चौथे नंबर पे, यदि हर समान है तो हम क्या देखेंगे कि अंश जो है जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब जिस प्रकार हमने हर समान किया उसी प्रकार यदि तीसरी जो ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, उसमें क्या होता है, अंश समान होता है। यदि किसी संख्या में अंश समान है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 8/7, 8/13, 8/24, 8/17, यदि ऐसा है। अब देख सकते हो आप अंश जो है सभी में समान है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसमें हम करेंगे जिसका हर जो है वो सबसे बड़ा है वो तो सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो इसका हर सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी संख्या है, और जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या है। इनके पहले नंबर पे सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी बताओ, 8/7। उससे बड़ी क्या आएगी, 8/17। उससे बड़ी क्या आएगी, सॉरी ये आएगी उससे छोटी, सबसे छोटा अंश इसका है तो सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर उससे बड़ा अंश इसका है तो ये इससे बड़ी, इससे छोटी हो जाएगी, फिर इससे बड़ा हर इसका है तो ये इससे छोटी हो जाएगी, फिर लास्ट में सबसे छोटी हो जाएगी 8/24। यानी कि सबसे बड़ी संख्या आएगी 8/7, और उससे छोटी आएगी 8/13, उससे छोटी आएगी 8/17, उससे छोटी आएगी 8/24। यानी कि इन दोनों में मैंने क्या बताया कि हर यदि बराबर है तो अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी संख्या, अंश जिसका छोटा है वो छोटी संख्या। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, अंश यदि समान है तो हर जिसका सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और हर जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये तीन तो ट्रिक आपको बता दी। अब आते हैं चौथे ट्रिक पर, चौथी ट्रिक आपको बता रहा हूं। इस ट्रिक के अंदर सवाल में हमको ऐसे भिन्न देखने को मिलते हैं जिनका अंश और हर जो है किसी निश्चित उनमें वृद्धि होती है, निश्चित लगातार क्रम से वो बढ़ रहे होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8/7, यहाँ पे लिख दिया मैंने 16/, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 12, यहाँ पे लिख दिया 10, और यहाँ पे लिख दिया 13। मान लो ये भिन्न हमको दे दी कि बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, तीन की जगह चार हो सकती है, पांच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो इनका अंश और हर जो है एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं इसको रीअरेंजमेंट करता हूँ, इसका 8/7 तो ये है, इसको यहाँ लिख देता हूँ 12/10, और ये हो गया 16/13। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4+ हुआ, यहाँ पे भी कितना हुआ, 4+ हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 3+ हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 3+ हुआ। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो भिन्न जो है उनका अंश और हर जो है वो निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हमको सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंश और सबसे बड़ा हर की संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी अंश और भिन्न वाली हो जाएगी सबसे छोटी, और ये इनके बीच की संख्या हो जाएगी। यानी कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो कर सकते हैं आसानी से, जैसे मान लो आपको और बताता हूँ, जैसे 2/7, 4/11, 3/9, और मैंने लिख दिया 5/13, ये संख्या मैंने यहाँ पे लिखी। इनमें से हमको छोटी बड़ी का पता करना है, तो इसको मैं व्यवस्थित रूप में लिख देता हूँ। देखो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले 2/7, फिर आ जाओ आप
3/9, 4/11, 5/13। आप यहाँ पे देख सकते हो इनमें सब में प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है, इधर प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है, एक निश्चित क्रम में अंश और हर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, यानी पहले नंबर पे बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगी, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगी, और चौथे, वो सॉरी क्या बोलते हैं, गलत लिख दिया मैंने, सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगी, है ना, उससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, उससे छोटी संख्या ये हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं जब अंश और हर निश्चित क्रम में बढ़ रहे हों, तो सबसे बड़ी संख्या है यानी जिसमें सबसे बड़ा अंश और सबसे बड़ा हर है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जिसमें सबसे छोटा अंश और सबसे छोटा हर है तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये तो मैंने आपको चार ट्रिक बताई। अब आते हैं पांचवें नंबर की ट्रिक, जो सबसे धांसू ट्रिक है, एकदम रामबाण है, वो इन सारे टाइप के सवालों को, जिन चारों टाइप से सवाल होते हैं, उन चारों टाइप के सब मतलब ट्रिक से वो अकेली ट्रिक मुकाबला करेगी, यानी कि वो अकेली ट्रिक सारी प्रकार के भिन्नों का एक इलाज है, सबको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में और छोटी बड़ी भिन्न में व्यवस्थित वो कर सकती है। तो देखिए कैसी है वो पांचवी ट्रिक। तो पांचवी ट्रिक को बड़े ध्यान से समझिए आप, इसमें दो प्रकार के सवाल आपको बताऊंगा, एक इस प्रकार की भिन्न आ जाएगी जिसके सबके अंश छोटे हों और हर बड़े हों, एक में ऐसा जाएगा जिसके अंश तो बड़े हैं हर छोटे हैं, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे भिन्न लिखी 2/7, 3/4, 5/7, 2/5। पहली ट्रिक से मैं इस सवाल को हल कर चुका हूँ, इससे ट्रिक से देखो आप कैसे करेंगे। तो जो पांचवें नंबर की ट्रिक है वो ये है, अंश बटे अंतर गुणा एलसीएम, ये एक सूत्र है, कैसे करेंगे इससे देखो। सबसे पहले तो इनका अंतर निकालो, कितने का है, 5 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें 2 का, और इसमें कितने का है, 3 का अंतर है। तो अंतर आया 5, 1, 2 और 3, इन अंतर का जो है हमें एलसीएम निकालना है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। तो सूत्र लगाते हैं, अंश बटे अंतर, अंश कितना है 2 बटे अंतर कितने का है 5 का, गुणा एलसीएम कितना है 30। ऐसे ही 3 अंश बटे अंतर कितने का है 1 का, एलसीएम कितना है 30। अंश 5 अंतर कितने का है 2 का है, और एलसीएम कितना है 30। अंश कितना है 2, अंतर कितने का है 3 का, एलसीएम कितना है 30। तो देखो इधर ये 6 बार कट गया, तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, ये आ गया 90, ये 15 बार कट गया, ये आ गया 75, ये 10 बार कट गया, और ये आ गया 20। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है ये, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यानी कि इसके भिन्न है 3/4, ये सबसे बड़ी भिन्न है। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है, 75, यानी कि 5/7, ये इससे छोटी भिन्न है। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है बताओ, 20, 20, तो 20 2/5, 2/5, और सबसे छोटी संख्या है 12, यानी कि 2/7। ऐसे हम इनको कर सकते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले तो इनका अंतर निकाला, अंतर निकालने के बाद में इन अंतर का एलसीएम लिया, ठीक है, और एलसीएम लेकर हमने क्या किया, इस सूत्र को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो संख्या सबसे बड़ी आई, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आई, वो सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या, उससे छोटी, फिर उससे दो नंबर छोटा आया नंबर, वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, है ना। तो ये तो हुआ जिनका अंश तो छोटा है हर बड़ा है, लेकिन यदि ऐसी भिन्न होती जिसका अंश तो बड़ा होता हर छोटा होता, तो यहाँ पे क्या होता, जैसे मान लो ये सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये सवाल कैसा होता, जिसका अंश तो बड़ा होता हर छोटा होता, तो क्या होता, जो सबसे बड़ी संख्या होती वो हो जाती सबसे छोटी, और सबसे छोटी होती वो क्या हो जाती सबसे बड़ी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी 7/5 और 9/2, और यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 11/6, ये मैंने संख्या लिखी,
ठीक है। अब इन संख्या में से आपको छोटी बड़ी संख्या निकालनी है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इनका अंतर देखो आप, कितने का अंतर है बताओ इसमें? दो का अंतर है, दो छोटा है हर, इसमें सात है, और इसमें कितना है बताओ? इसमें हो गया पांच। ठीक है, यानी कि इनका दो सात और पांच, इनका हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा देखो, इसका एलसीएम आएगा इसका 70। कितना आएगा? 70। तो देखो कैसे करेंगे, सात अंश है, अंतर कितने का है बताओ? दो का, और गुणा करेंगे 70 से। अंश कितना है? नौ। अंतर कितने का है? सात का, गुणा करेंगे 70 से। अंश कितना है? 11। अंतर कितना है? पांच, गुणा करेंगे 70 से। तो इसको गुणा करूंगा आएगा 35, 100 गुणा करूंगा 10 से कट गया, इससे करेंगे तो ये कट गया 14 का। ठीक है, तो ये आएगा 5 7 35 का, 5 का हासिल 3 और 7 21, और ये 245, ये आएगा 90, और ये आएगा कितना? 14 एकम 14 हासिल की 1, 14 एकम 14 और 1 15। तो यहाँ पे देख, सबसे बड़ी संख्या ये है ना, तो ये तो हो जाएगी सबसे छोटी। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी, जिनमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये हो जाएगी सबसे क्या? बड़ी। और ये हो जाएगी बीच के नंबर की। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और नए नए यदि आप चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में।